देखिए, जब भारत की राजनीति की बात होती है और यहाँ की राजनीति में महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होती है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, तो आप देखते हैं कि ना के बराबर महिलाएं राजनीति में भाग लेती हैं। अभी ये चर्चा में क्यों आया हुआ है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का 2022 में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस की एक लीडर है प्रियंका गांधी, उन्होंने एक मुद्दा छेड़कर इस टॉपिक को चर्चा में ला दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि टोटल जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनमें से 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि 40% सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगी। आप समझ रहे हैं? अभी आप देखिए कि आप अपनी जनसंख्या की बात कर लीजिए, आप सभी जानते हैं कि लगभग हमारी 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी जनसंख्या टोटल है 121 करोड़, और इसमें से आप देखेंगे लगभग आपकी महिलाओं की संख्या बड़ा आधी देखने को मिलेगी, लगभग 58 करोड़ आप महिलाएं देखेंगे और 62 करोड़ के करीब आप पुरुषों की संख्या देखेंगे। और जब इनकी राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात होती है तो आप देखेंगे कि ना के बराबर रहती है। आप सभी जानते हैं कि 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, और उसमें अगर आप लोगों को बताऊं कि महिला सांसदों की बात करें तो आप लोगों को हैरानी होगी, 543, कितना, 543 लोकसभा के सदस्य हैं, जिनमें से आप देखेंगे केवल 78 महिलाएं हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि 50% आबादी का नेतृत्व कितनी महिलाएं कर रही हैं, 78 महिलाएं कर रही हैं। वैसे आप देखिए कि हकीकत ऐसा होना चाहिए था कि आधे पुरुष लगभग होने चाहिए थे, आधी महिलाएं होनी चाहिए थी, या फिर इस तरह हो सकता था कि 33% के करीब तो कम से कम महिलाएं होनी चाहिए थी ना। और इसी तरह आप लोग अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा, आप देखते हैं कि आपके स्थानीय पंचायतों के चुनाव होते हैं या नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं या जिला पंचायतों के चुनाव होते हैं या फिर आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो इसमें ना के बराबर आप देखेंगे महिलाओं की संख्या आपको देखने को मिलेगी। और जो महिला चुनाव जीत जाती है या चुनाव लड़ती है तो उसके साथ आपने देखा होगा कि महिला के पति का नाम जुड़ जाता है। कभी आप लोगों ने ये देखा है कि किसी का पति चुनाव लड़ रहा हो और उसके पीछे उसकी पत्नी का नाम जुड़ा हो? ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही आप देखेंगे भेदभाव हमारे यहाँ महिलाओं के साथ किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए एक मुद्दा तो फिलहाल प्रियंका गांधी ने इसे बना दिया है, और एक बार आप लोग भारत को देख लीजिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ एशिया में आप देखेंगे, अपने पड़ोसियों के देखेंगे तो आप देखेंगे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, यहाँ चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और देखिए भारतीय राजनीति की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं अपने आप को, समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए चाइना में अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात नहीं होती है या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं होती है तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ राजनीति किस तरह की है, यहाँ किस तरह का लोकतंत्र है, समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए अफगानिस्तान में तो आप सभी जानते हैं तालिबान का कब्जा हो चुका है, और तालिबान आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को कितनी छूट देता है, महिलाओं को पढ़ने की छूट नहीं देता है, महिलाओं को आप देखिए कि एक तरह से नौकरी करने की छूट नहीं देता है, तो राजनीति में कहाँ भागीदारी देगा, समझ रहे हैं आप लोग? और आपको बता दूं कि इस तरह की टॉपिक आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और मैं कहता हूं कि मुख्य परीक्षा छोड़िए आप लोग, अगर भारत देश में रह रहे हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक के बारे में मालूम तो होना चाहिए। और एक तो आप समझते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव, आप देखिए कि जन्म लेने से, यानी कि एक लड़की के जन्म लेने से पूर्व ही उससे के साथ भेदभाव करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि एक तकनीक चलती है अल्ट्रासाउंड या इस तरह का कोई चलता है सिस्टम, आप देखिए इस तरह की तकनीक इसलिए आई हुई थी कि बच्चे के जन्म से पहले अगर कोई बीमारी है, कोई उसमें कमी है तो उसका पता लगाया जा सके, उसे सही किया जा सके। लेकिन आप देखिए कि हम लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, हम लोग अब ये देख लेते हैं कि ये महिला है, मतलब ये बेटी है या बेटा है, अगर बेटा है तो ठीक है, बेटी है तो आप देखते हैं कि भ्रूण हत्या कर देते हैं,
उसे वहीं मार देते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक बेटी जन्म लेती है, तब आप देखते हैं कि घर में किस तरह उसके साथ भेदभाव किया जाता है, और इस तरह का आप देखेंगे चलते चलते लास्ट तक महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता रहता है। और आप देखिए जहां महिलाओं को एक तरह से लड़कियों को मौका मिलता है, आप देखिए हर क्षेत्र में झंडा गाड़ देती हैं। कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए आप लोग, बेहतर प्रदर्शन करती हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि राजनीति में क्या हाल है, और इसीलिए तो आप कहते हैं कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, यानी कि कहने का मतलब है कि पिता के बाद पुत्र। आप सभी जानते हैं कि जब आपने देखा होगा प्रॉपर्टी कुछ होता है आपके यहाँ बंटवारा, तो बेटी को भुला दिया जाता है एक तरह से। हाल ही में आपको बताया हुआ कि एक राजनीतिक दल ने अगले वर्ष यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की टिकट का 40% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया हुआ है, और इससे एक बार फिर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर बहस शुरू हो गई है। आप अपनी विधानसभा की देखिएगा, आपके राज्य में कितनी सीटें हैं ये भी बताइएगा, आपने विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं आपके राज्य में वो भी बताइएगा आप लोग। अंतर संसदीय संघ की बात करें तो जिसका भारत भी एक सदस्य है, और इसके द्वारा एक आंकड़े एक तरह से आप कहिए कि इकट्ठे किए गए, और इसमें आप देखेंगे विश्व भर में महिलाएं लोकसभा के कुल सदस्यों के 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं। मान लीजिए कि आपकी टीम में 100 बच्चे हैं, 100 लोग हैं आप लोग, और आप देखिए कि उसमें से आप देखिए महिलाएं लड़कियां 50% हैं, यानी कि 50 लड़कियां हैं 50 लड़के हैं। आप देखिए कि अब पुरुषों के लिए आप देखें कि उसमें से 10 एक तरह से आप या 5 आप लोग मैन आपके ये नेतृत्वकर्ता चुन लेते हैं, और जो आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं 50% यानी कि 50 महिलाएं हैं, उनमें से आप देखते हैं कि एक महिला चुनते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने उन्हें कमजोर समझ लिया, समझ रहे हैं आप लोग। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ECI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 तक महिलाएं सांसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही थी। आप समझ रहे हैं कि 10.5%, और ये बात भी आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, महिलाओं के क्या दुख दर्द हैं, इसे मुझे लगता है कि महिलाएं बेहतर समझ सकती हैं। और आप देखिए कि 50% जब महिलाएं संसद होंगी, विधायक होंगी, या फिर आपकी स्थानीय चुनावों में भाग लेंगी, तो आप देखिए महिलाओं के हों, लड़कियों के हों, इस तरह के मुद्दे बेहतर उठा पाएंगी, उनका बेहतर समाधान निकाल पाएंगी। भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें अगर हम लोग, तो महिला सदस्यों यानी कि विधायकों की स्थिति और भी बेहतर है, जहां राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है, यानी कि आप देखेंगे कि 91% पुरुष भरे पड़े हुए हैं, केवल 9% महिलाएं हिस्सेदारी दी जा रही है। आजादी के 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी नहीं बढ़ाएंगे, और इसीलिए तो आपको बता रहा हूं कि 2019 में जो आपके 17वीं लोकसभा में चुनाव हुए थे, इसमें अभी तक की सबसे ज्यादा महिलाएं चुनी गई हैं, यानी कि आप देखेंगे 78 महिलाएं चुनी गई हैं 543 सदस्यों में से, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। और वहीं अमेरिका में हम लोग बात करें तो टोटल मतलब आप देखिए अमेरिका में यह आंकड़ा आप देखेंगे 32% देखने को मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारी हमसे स्थिति अमेरिका की बेहतर है। और जो हमारा पड़ोसी देश है आप देखते हैं कि बांग्लादेश है, यहाँ आप लोग देख भी लीजिएगा ये बांग्लादेश, इसकी स्थिति भी हमसे बेहतर है। आप देखिए कि 21% महिलाएं यहाँ शामिल होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें कम प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारणों की कि आखिर क्या वजह है राजनीति में महिलाओं के भाग ना लेने का, तो एक तो सभी आप जानते हैं कि लिंग संबंधी रूढ़ियां, यानी कि आप देखिए वो लड़की है या महिला है तो उसे ये कह दिया जाता है ये कमजोर है, ये राजनीति में भाग नहीं ले सकती है। आप देखिए कई बड़ी बड़ी लीडर हुई हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री हुई हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आप सभी जानते हैं देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री केवल इंदिरा गांधी, और देश की राजनीति में आप देखिए 1947 में हमें आजादी मिल जाती है, आज तक का इतिहास उठा के देखिए आप लोग,
1947 के बाद की बात कर रहा हूं, तो केवल आप देखिए एकमात्र महिला हुई, बाकी आप देखिए पुरुष भरे पड़े हुए हैं। तो लिंग संबंधी रूढ़ियों की बात सीधी सी ये मतलब है कि आप देखिए एक काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ये पुरुष करके लायक है, और ये मान लिया जाता है कि आप देखिए राजनीति करना पुरुषों का काम है एक तरह से। आप लोग मायावती हो, आप देखिए ममता बनर्जी हो, जयललिता थी, या फिर आप लोग इस तरह की उमा भारती हो गई, आपकी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इस तरह की जो पॉपुलर लीडर हैं, जो आप देखिए कि बेहतर प्रदर्शन किया है इन्होंने राजनीति में, इनके कभी आप लोग इंटरव्यू सुनिए, इन्हें भी आप देखिए समाज में किस तरह से लड़ना पड़ा, तब जाकर आप देखिए कि इनकी इन्होंने इतनी ऊंचाई पाई हुई है। तो पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका महिलाओं को सौंपी गई है। आप देखिए उनसे कह दिया जाता है कि आप घर संभालिए, बस आप बाहर मत सोचिए, राजनीति मत करना मत सोचिए, आप केवल एक तरह से आप कहिए कि बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे संभालने के लिए और घर संभालने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, इनका यही मान लिया जाता है। और आपको बता दूं कि देखिए पित्र सत्तात्मक समाज, यानी कि पिता पुत्र ये ज्यादा चलता है ना, उसे देश में आप देखिए इसी तरह की सोच रखी जाती है। आप देखिए तालिबानों की सोच किस तरह की है कि महिलाएं राजनीति में भाग नहीं लेंगी, महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, महिलाएं नौकरी नहीं करेंगी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो हमें इससे बाहर निकलना होगा। और आप सभी को पहले भी कई बार बताया हूं कि हमें 1947 में भली ही आजादी मिल गई, लेकिन आपको बता दूं कि मैं मानता हूं कि उस आजादी को हम सभी तक नहीं पहुंचा पाए। उस समय हमें केवल अंग्रेजों से आजादी मिली, हमें गरीबी हो, आप देखिए भुखमरी हो, महिलाओं की स्थिति की बात हो, इनसे हमें आजादी नहीं मिली, आगे हमें मिलना चाहिए था, लेकिन किसी भी कारण आप देख सकते हैं जो भी सिस्टम व्यवस्था रही हो, जो भी हमारे नेताओं की गलतियां रही हो, आज भी आप देखिए महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं से बाहर निकलने और देश की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आप देखिए कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण की बात होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए आरक्षित सीटें अगर होती हैं तो कम से कम एक आप देखिए कि उनकी संख्या निर्धारित तो होगी। अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो राजनीति किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, और अंततः महिलाएं राजनेता भी प्रतिस्पर्धी ही मानी जाती हैं, और कई राजनेताओं को भय है कि महिला आरक्षण लागू किए जाने पर उनकी सीटें बारी बारी से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं, और जिससे स्वयं अपनी सीटों से चुनाव लड़ सकने का अवसर भी गंवा सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में बिल आता रहता है, लेकिन पूरी तरह से आप देखिए पास नहीं हो पाता है, कई बड़ी बड़ी पार्टियां आप देखिए उसका विरोध करती हैं। राजनीति शिक्षा का अभाव, शिक्षा महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है, और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व को आवश्यक कौशल प्रदान करती है। और आप लोग वैसे भी शिक्षा में ले लीजिएगा, आपने देखा होगा कि बेटियों को कम ही एक तरह से आप देखिए बेटे के बराबर, कोई अगर इस तरह का परिवार है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि अगर बेटा कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहता है, विदेश भी पढ़ना चाहता है, कोई अच्छी से अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, तो उसका परिवार उसके माँ बाप उसे पढ़ाते हैं, लेकिन बेटी पर आप देखते हैं पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि चलिए तुम्हारा भाई पढ़ लेता है। कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि भाई मत पढ़े, चलिए बहन पढ़ लेती है तुम्हारी या बेटी पढ़ लेती है, तो यहाँ भी हमें ध्यान देना होगा। और एक देखिए अभी हम कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, महिलाएं अगर देश चलाती हैं तो आप देखिए बेहतर देश को बेहतर एक नई दिशा दे सकती हैं। और आप सभी लोगों ने इंदिरा गांधी के समय देखा है, अगर हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की घटना को भूल जाएं तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल एक बहुत बेहतर कार्यकाल रहा है, कई बड़े बड़े फैसले भी उन्होंने लिए हुए थे। राजनीति की समझ की कमी के कारण भी अपने मूल अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों से अवगत नहीं है, उन्हें शिक्षा मिलना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति एक तरह से जागरूक तो रहें। कार्य और परिवार, पारिवारिक देखभाल उत्तरदायित्वों के असमान वितरण का परिणाम यह होता है कि महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय देती हैं, और इसीलिए आप देखेंगे वो भाग इस तरफ आप देखेंगे ध्यान नहीं दे पाते हैं।
आप देखिए, एक पुरुष अगर नौकरी करता है, आप ही जानिए, तो 8 से 10 घंटा आप लोगों को काम करना होगा। लेकिन आपने अपने घर में बेटी हो या आपकी बहन या माँ, कोई भी आपके परिवार की महिला हो, आप देखते होंगे कि सुबह 4 से 5 बजे उठ जाती हैं, और रात में मुझे लगता है कि 9 से 10 बजे आप देखते हैं कि अपने काम से वो फुर्सत होती हैं। अगर आप अपने काम की तुलना उनके काम से करें तो आप याद रखिएगा कि आपका काम उनके काम से बहुत छोटा रहता है, कम मेहनत होती है आपके काम में। एक महिला को न केवल गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपना समय देना पड़ता है, बल्कि यह तब तक जारी रहता है जब तक कि बच्चा देखभाल के लिए माता पिता पर निर्भर ना रह जाए। और आप देखते हैं कि एक बेटा अगर बेटी जन्म लेती है तो मुझे लगता है कि उसका भार सबसे ज्यादा अगर किसी को देखभाल करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, तो वो माँ होती है। समझ रहे हैं? राजनीतिक नेटवर्क का अभाव और राजनीतिक निर्णय निर्माण में पारदर्शिता की कमी और अलोकतांत्रिक आंतरिक प्रक्रियाएं सभी नए निवेश प्रवेशकों के लिए चुनौती पेश करती हैं। लेकिन महिलाएं इससे विशेष रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि उनके पास राजनीतिक नेटवर्क की कमी होती है। और मुझे लगता है कि इनके बारे में, महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो कुछ पुरुषों को जलन भी हो रही होगी कि ऐसा नहीं है, पुरुष भी पिछड़े हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं, एक संसाधनों की कमी। भारत की आंतरिक राजनीतिक दल संरचना में महिलाओं के कम अनुपात के कारण महिलाएं अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के संपोषण हेतु संसाधन और समर्थन जुटाने में विफल रहती हैं। और आजकल आप देखिए कि राजनीति पैसे की ही बची हुई है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप देखते हैं कि चुनाव आप लोग मुश्किल से जीत जाए बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, और इसलिए भी आप देखिए महिलाएं पिछड़ जाती हैं। एक आप देखेंगे सोशल कंडीशनिंग, उन्हें अपने ऊपर थोपे गए निर्देशों को स्वीकार करना होता है और समाज का बोझ उठाना पड़ता है। सार्वजनिक दृष्टिकोण न केवल यह निर्धारित करती है कि आम चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार जीतेंगी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह भी निर्धारित करता है कि पद एक के लिए उन्हें नामांकित किया जाए। फिर आप देखेंगे प्रतिकूल वातावरण, ये भी आप देखिए एक तरह से निर्भर करता है। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अधिक अनुकूल नहीं है, उन्हें पार्टी में जगह बनाने के लिए कठिन संघर्षों और बहुआयामी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीति में हिंसा बढ़ती जा रही है, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है, तो ये भी एक कारण है। आप देखिए सरकार के प्रयास क्या किए गए हैं, लेकिन सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन आप देखिए जब तक सभी राजनीतिक दल उन्हें सहयोग नहीं करते हैं तो आप देखते हैं क्या स्थिति रहती है। बिल्कुल अभी तक आप भी जानते हैं। और एक आप देखिए, अभी आप देखिए करंट में जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, उसके पास बहुमत है, वो चाहे तो राज्यसभा लोकसभा में पास करवा सकती है, जिस तरह से अन्य बिल को पास करवा रही है धड़ल्ले से, एक तरह से आप कहिए। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह के जब मुद्दे होते हैं तो आप देखिए सभी पार्टियां पीछे हट जाती हैं, और जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उस समय तो आप देखिए कि इस तरह के बिल पास करवाना बड़ी बात होती है। महिला आरक्षण विधेयक 2008, यह भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। एक अब आया था 2008 में, अभी तक पास नहीं हो सका। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, ये संविधान का अनुच्छेद 243 D पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, और जहां प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में कम से कम एक तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, तो ये अच्छा एक तरह से कदम है आप कहिए। महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 1997 में संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान पहली बार महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया था, और समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे पार्टी संबद्धताओं से सीमित न रहते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया है। चलिए 50% अगर आप लोग उनकी हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि 33% तो देना चाहिए।
और महिलाओं को अभी आगे आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आगे की राह की बात करें तो यह भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है कि मुख्य धारा की राजनीतिक गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और इसलिए इसको बढ़ावा देने हेतु सरकार को आवश्यक कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये वर्तमान सरकार अगर चाहती तो कर भी सकती थी। महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ सहमति तक पहुंचते हुए महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित करना चाहिए, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा समूह उभर चुका है जो सरपंच और स्थानीय निकायों के सदस्यों के रूप में स्थानीय स्तर के शासन का 3 दशक से अधिक समय का अनुभव रखता है, और वे अब राज्य विधानसभाओं और संसद में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं, बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आप देखिए एक तरह से आरक्षित होने का क्या मतलब होता है। आप देखिए कि आपकी पंचायतों की बात कर लीजिए, चलिए मान लीजिए आप शहर से आते हैं तो आप नगर निगम होगा, या आप देखिए नगर पालिका होगी। अगर आपसे सोचिए कि आपके वार्ड की सीट महिला के लिए आरक्षित है कि उस पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है, पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आप देखिए कि राजनीतिक पार्टियों की या फिर उस क्षेत्र के लोगों की ना चाहते हुए भी मजबूरी बन जाएगी कि महिला उम्मीदवार को उतारा जाए, उसे जिताया जाए। तो आरक्षण से यह होता है। राजनीतिक दलों में महिला कोटा, गिल फार्मूला, भारतीय निर्वाचन आयोग की उस प्रस्ताव को लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए राज्य विधानसभा और संसदीय चुनाव में महिलाओं के एक न्यूनतम सहमत प्रतिशत को अवसर देना ही होगा। मुझे लगता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग इस तरह का कदम उठा सकता है। यहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग की उल्लेख किया गया है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूं। देखिए चुनाव आयोग की व्यवस्था आप देखते हैं संविधान के आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है, और आप देखते हैं कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब बात करें पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देना। कोई राजनीतिक दल जो वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक होगा वह निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर दल की महिला सदस्यों को उचित अवसर प्रदान करेगा। लेकिन हमारे देश की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कितना लोकतंत्र है, आप दुनिया जग जाहिर है। एक तरह से आप देखिए हर पार्टी को आप देखेंगे दोस्त, एक से दो लीडर चला रहे होते हैं, उनके हाथ में आप देखिए बागडोर होती है किनका चुनाव करना है किनका नहीं चुनाव करना है। हो सकता है कुछ पार्टियां दिखावे के लिए आप देखिए चुनाव प्रक्रिया रख देती हैं, लेकिन चुनाव उनके हिसाब से होता है। रूढ़ियों को तोड़ना, समाज को महिलाओं को घरेलू गतिविधियों तक सीमित रखने की रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा, और आप देखिए कि एक तरह से उन्हें भी जागरूक करना होगा और समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, बस उन्हें मौका दिया जाए। सभी संस्थानों, राज्य, परिवार और समुदाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे शिक्षा में अंतराल को कम करने, लिंग भूमिकाओं पर फिर से विचार करने और श्रम के लैंगिक विभाजन और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने की प्रति सजग हो और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए। तो यही कहानी है भारतीय राजनीति में महिलाओं की, और मुझे लगता है कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो भी इस तरह की संघर्षशील महिलाएं रही हैं उन्हें भी आप देखिए समाज ने बहुत दबाने की कोशिश की हुई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, तब जाकर आप देखिए टक्कर दे रही हैं, पुरुषों को भी टक्कर दे रही हैं, मुझे लगता है बेहतर टक्कर दे रही हैं। इसका उदाहरण आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा हुआ है, मध्य प्रदेश में देखा हुआ है, आप लोगों ने तमिलनाडु में देखा हुआ है, आप लोगों ने आप देखिए आप पश्चिम बंगाल में तो हाल में ही आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, या मायावती की बात कर लीजिए, जयललिता की बात कर लीजिए, तो आप समझ सकते हैं। चलिए खैर इस तरह की टॉपिक अगर चर्चा में रहते हैं तो उनके बारे में कुछ पॉइंट याद रखा करिएगा, ये आपके मुख्य परीक्षा में और हो सकता है कि निबंध में कभी क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है।